हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए प्याज की कुरकुरी सी भजिए की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि एकदम मार्केट स्टाइल में बनेगी। जिस तरीके से हलवाई बनाते हैं एकदम कुरकुरी और क्रंची सी, उस स्टाइल में हमारे जो भजिए हैं वो बनेंगे। और इसमें हम कोई भी सोडा और बेकिंग पाउडर ऐड नहीं करने वाले हैं और वो बिल्कुल क्रंची बनने वाले हैं। तो चलिए, इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 प्याज, 1 कटोरी बेसन और 1 छोटी कटोरी से आधी कटोरी चावल का आटा। और ये ग्रीन लीफ जो है, ये मैंने अजवाइन के पत्ते लिए, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिलने वाला है। और थोड़ी सी सूखी अजवाइन, 1 नींबू, अदरक लहसुन और मिर्च, और थोड़े से धनिया पत्ते भी ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक और हल्दी को ऐड करेंगे हम। अब जो हमने 3 प्याज लिए हैं, उनको इस तरीके से बारीक बारीक लंबे लंबे साइजेस में कट कर लेंगे। और इनमें अब हम सारे मसालों को मिक्स करेंगे। सबसे पहले धनिया पत्ते को ऐड किया, फिर जो अजवाइन के पत्ते हमने लिए थे उसको भी कट करके ऐड कर देंगे। अब हमने जो सूखे अजवाइन लिए थे उसको ऐड करेंगे और चावल के आटे को ऐड कर देंगे। और अब बारी है बेसन को ऐड करने की। तो मैंने यहाँ पे 3 प्याज के लिए 100 ग्राम बेसन लिया था। अगर आपको समझ में ना आए तो आप थोड़े थोड़े करके ही बेसनों को ऐड करेंगे। और यहाँ पर मैंने 1 नींबू का जूस निचोड़ रही हूँ। और स्वाद अनुसार नमक और हल्दी ऐड कर दे थोड़ी सी कलर के लिए। और नमक डालते वक्त खास ध्यान रखें, थोड़ी ही ऐड करें आप, नहीं तो आपकी जो ये है वो ज़्यादा नमकीन हो सकती है। और थोड़ा सा तेल ऐड कर देंगे, उससे बहुत ही अच्छा क्रंचीनेस आएगा इसमें। और मिर्च को मैंने यहाँ पर कट करके ऐड किया है। और अदरक और लहसुन था उसको मैंने क्रश करके ऐड किया। और इस तरीके से अच्छे से हम टाइट हाथों से इसको मिलाते जाएंगे। इस तरीके से मिलाने से सभी अच्छे से मिल जाएंगे। और इसमें हम एक बूंद भी पानी नहीं डालने वाले हैं। ये प्याज के रस से ही हमारे जो टोटल बेसन है वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। इस तरीके से सबको अच्छे से मिला लें आप, और करीबन 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। तो जो प्याज का जूस है उससे ही हमारे जो बेसन है वो अच्छे से गीले हो जाएंगे और भजिए बहुत अच्छे बनेंगे इससे। बेसन और प्याज को हम करीबन 5 मिनट तक इस तरीके से मिलाएंगे तो वो इस तरीके के दिखने लगेंगे। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। तो प्याज के जूस से ये बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा इसका। तो अब हम चेक कर लेते हैं 5 मिनट के बाद। ये देखिए कितनी अच्छी सी इसका टेक्सचर आ चुका है। अब ये भजिए बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बहुत ही अच्छे और कुरकुरे भजिए बनने वाले हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से छोटे छोटे हमें लेने हैं और इसका तेल में, गरम तेल में डालते जाएंगे तो बहुत ही कुरकुरे भजिए बनेंगे हमारे। दूसरी तरफ हम गैस पे कढ़ाई गर्म होने के लिए रख देंगे। और तेल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इस तरीके से हम छोटे छोटे उठाएंगे और डालते जाएंगे तेल में। हमें तेल में प्याज के भजिए को फैला के नहीं डालना है, इस बात का खास ध्यान रखें। इस तरीके से ही छोटे छोटे लें आप और तेल में डालते जाएं। इस तरीके से ही जो हमारे भजिए हैं वो कुरकुरे बनेंगे। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म है, जब ये एक तरफ से हल्का सिक जाएगा तब हम इसे दूसरी तरफ से पलट देंगे। और इसको बनने में करीबन 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा। और मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही इसे हम फ्राई करेंगे। तो एक तरफ से हमारा भजिया अच्छे से सिक गया है, अब हम दूसरी तरफ से इसे पलटते जाएंगे। ये देखिए दूसरी तरफ से कितना अच्छा कलर आया है इसको, और आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ही क्रंची बने हैं ये। सारे भजिए अब दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गए हैं, क्रंची हो गए हैं। ये कुरकुरे पकौड़े बनके हमारे तैयार हो गए हैं। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं किचन टॉवल पे, और जो हमारी दूसरी बैच है उसको भी हम डाल देंगे। तो उस तरीके से ही हमें छोटे छोटे थोड़े से हाथों में लेने हैं और गर्म तेल में डालते जाएंगे हम। आप देख सकते हैं ना, हमने बेकिंग पाउडर ऐड किया है ना ही बेकिंग सोडे को ऐड किया, फिर भी जो हमारे भजिया कितने कुरकुरे बने हैं एकदम हलवाई स्टाइल में। तो इस रेसिपी को तो ट्राई करें आप, और अपने फैमिली के साथ गरम गरम चाय के साथ सर्व करें आप।
और इसके साथ मैंने आप लोगों को खास टिप्स जो दी है कि भजिए को बनाने के लिए आप एक बूंद भी पानी ऐड ना करें, प्याज के पानी से ही अच्छे से इसकी जो पेस्ट है वो तैयार हो जाती है। तो इस रेसिपी को इस बारिश के मौसम में आपको ट्राई करना तो बनता है। तो दूसरी बैच भी हमारे अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गई है, इसे अब हम निकाल लेते हैं। तो इस प्याज के पकौड़े को आप इस खास टिप्स के साथ इस बारिश में एक ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें। और रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।